गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरके पब्लिक स्कूल। वी आर इन द पीरियड ऑफ क्लास 6 मैथ्स। हम लोग अभी क्लास 6 के मैथ पीरियड में है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9C से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग फिर आगे चलते अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, एक्सरसाइज 9C में ही कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज 9C में हम लोग आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 हमारा आ सकता है इसमें क्वेश्चन के द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज the perimeter of the hall is 74 meter, find its length and breadth, then find its length and breadth। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसमें। हम देख रहे हैं इसमें हमारा ब्रेथ के साथ कंपैरिजन कर रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, अगर जो ब्रेथ को मान लेंगे तो लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मान लेते हैं हम x मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, कह रहा है 5 मीटर मोर देन, यानी x प्लस 5 मीटर, ठीक है, जितना भी ब्रेथ है उससे 5 मीटर मोर देन दे रहा है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × लेंथ + ब्रेथ, ठीक है, 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, 2 लेंथ हमारा कितना आ गया है बच्चों यहाँ x प्लस 5 इंटू ब्रेथ कितना हमारा है x, क्लियर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ 2 × लेंथ + ब्रेथ हमारा होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 अंदर में हमारा x और x कितना हो गया 2x + 5, यानी 2 × 4x, 5 × 10, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नहीं पेरीमीटर से कितना है 74 मीटर है, ठीक है, क्लियर। दे रहा है पेरीमीटर कितना ऑफ द हॉल का 74 मीटर, यानी 4x + 10 = 74 और 4x = 74 - 10 हम कर देंगे प्लस में, बराबर दूसरे साइड गया तो क्या हो गया माइनस में, 4x = कितना हो गया हमारा 64। x = कितना हो जाएगा बच्चों, इसको माइनस कर दिया हम, 64 हो गया हमारा 64 x = है ना, x = 64, 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में, क्रॉस कर देंगे हम 16 जा, यानी 16 हो गया x, यानी कि लेंथ कितना हो गया, ब्रेथ कितना हो गया हमारा
ब्रेथ इक्वल टू हमने x माना था यानी 16 मीटर हो गया और लेंथ हमारा x प्लस 5 था यानी 16 प्लस 5 दैट मींस 21 मीटर। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, ये हमारा 21 मीटर इसका लेंथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जांपल हमारा आ सकता है, जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ सकता है अगला एग्जांपल, हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में एग्जांपल टू हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल टू में जैसे हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल टू में जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया हमारा कि ए वायर ऑफ लेंथ 87 सेंटीमीटर इज बेंड, ए वायर ऑफ लेंथ, ए वायर ऑफ लेंथ 86 सेंटीमीटर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, इन ए रेक्टेंगल सच दैट its length is 7 centimeter more than its breadth. So find the length and breadth of the rectangle so far, then find the length and breadth, find the length and the breadth of rectangle of the rectangle so formed. Clear? चलिए solution हम निकालते हैं। solution तो हमारा दे रहा है लेंथ ऑफ वायर इज 86 मीटर है, यानी लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ हमारा क्या हो जाएगा रेक्टेंगल इज इक्वल टू 86 मीटर, यानी जितना भी इसमें वायर की लंबाई होगी, लेंथ ऑफ वायर जितना होगा हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल उतना ही होगा, सेम। क्लियर, तो चलिए लेंथ ऑफ वायर हमारा कितना 86 है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी 86 ही होगा हमारा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मान लिए 1 मीटर है, तो लेंथ कितना है बच्चों हमारा के 7 मीटर मोर देन, लेंथ कितना है 7 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ कितना हो गया हमारा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x प्लस 7 हो गया, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी हमारा हो गया 2, लेंथ कितना है हमारा x प्लस 7 और ब्रेथ हमारा 1 है, हमने इसको सॉल्व कर दिया कितना हो गया 2, ये हो जाएगा हमारा x और x 2x प्लस 7, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितना होगा 2 2 4x 7 2 14, इतना हो गया। फिर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पेरीमीटर इसका हमारा 86 मीटर है, दैट मीन्स 4x प्लस 14 इक्वल टू 86
सिक्स हमारा हो गया, फोर एक्स इक्वल टू 86, ये प्लस में है बराबर दूसरे साइड गया तो हमारा क्या हो गया बच्चों माइनस में हो गया, यानी 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा आई थिंक 72 हो जा रहा है हमारा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना 72/4 क्रॉस कर दे रहे हम यहाँ 80, यानी x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 80, दैट मीन्स ब्रेक कितना हो गया, ब्रेथ हमने x माना था तो हमारा कितना हो गया 18 मीटर और लेंथ 18 सेंटीमीटर, ठीक है 18 सेंटीमीटर और लेंथ कितना हमने माना था तो x प्लस 7 है यानी 18 प्लस 7 दैट मीन 25 सेंटीमीटर, ठीक है इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है जल्दी जल्दी। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, अगला एग्जांपल 3 में जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया एग्जाम्पल 3 में इसमें कि एग्जाम्पल 3 में जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारा दे दिया कि 5 times the price of a pen, 5 times price of a pen, 5 times price of a pen is Rupees 17 more than 3 times its price. Three times its price. So find the price of the pen. Then question hamara hai. Find the price of the pen, ठीक है चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि पेन का प्राइस रुपीज 1 है, सपोज लेट प्राइस ऑफ ए पेन बी रुपीज, मान ली हम प्राइस ऑफ ए पेन बी रुपीज 1 हमारा हो जाएगा, सपोज बी रुपीज एक्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेन के 5 times प्राइस का और 3 times प्राइस का डिफरेंस क्या होगा हमारा 17 हो जाएगा, यानी 5x-3x इक्वल टू 17। देयरफॉर माइनस कर दें कितना हो गया बच्चों हमारा 2x इक्वल टू 17, x इक्वल टू 17/2 यानी x इक्वल टू इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 8.50 आ जाएगा हमारा, ठीक है यानी देयरफॉर प्राइस ऑफ ए पेन इक्वल टू हमने x माना था इक्वल टू ₹8.50 यानी यही हमारा आंसर हो गया, ठीक ना इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और इस तरह से और भी आगे हम बहुत सारा एग्जांपल्स को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग अब आते हैं अपने SW सेक्शन की ओर, और आज के SW में आप लोग एक्सरसाइज 9C आई थिंक हमने पीछे भी दिया था 9C कंप्लीट कर लेने के लिए, तो 9C और CC टेस्ट पेपर जो है ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज का SW में एक्सरसाइज 9C एंड CC टेस्ट पेपर 9 ये आप लोग कंप्लीट करके हमें इवनिंग सेशन में सेंड कर देंगे, ठीक है ना। और इस तरह से बहुत सारा और भी प्रॉब्लम बना सकते हैं, तो इस तरह से हमारा लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय एंड हैव अ नाइस डे।